कोरोना महामारी ने दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। भारत भी इसके असर से अछूता नहीं बचा है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 5,700 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 166 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 473 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। वहीं बात अगर करें महाराष्ट्र की, तो यहां सबसे ज्यादा 1135 लोगों में कोरोना संक्रमण है, जबकि 72 मरीजों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 669 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से अब तक 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर झारखंड की अगर बात करें तो कोरोना के 9 मामले यहां पर सामने आए हैं। इसमें 5 नए केस रांची के हिंदीपीरी एरिया और 4 नए केस बोकारो में सामने आए हैं, और ये सभी उन लोगों के रिश्तेदार हैं जो पहले पॉजिटिव मिले थे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रीत, देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं लगातार कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके? देखिए मनीषा, देश भर में 5,734 मामले आ चुके हैं। इसको लेकर अलग अलग राज्यों की तरफ से अलग अलग प्रयास किए गए। हालांकि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से ये सजेस्ट किया गया था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। बिल्कुल, अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री मोदी को ही लेना है। उन्होंने ये कहा कि तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे सलाह लेंगे, उसके बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। इस बीच यूपी में करीबन 22 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए वहां पे पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। सड़कों पर आवाजाही बंद हो जाएगी, घर तक होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। ठीक इसी तरीके से दिल्ली में भी कुछ 20 जगहों पे हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है और वहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। चाहे बात करें पटपड़गंज की, तो वहां पर 3 अपार्टमेंट ऐसे घोषित किए गए हैं जिनको लॉकडाउन किया गया है। खिचड़ीपुर, मंडावली, संगम विहार, तमाम ऐसे इलाके, खासतौर पर मरकज और निजामुद्दीन का जो इलाका है उसको सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा जो वायरस है वो अलग अलग दिल्ली के क्षेत्रों में फैल रहा है। आज की अगर बात करें तो दिल्ली में 666 ऐसे मामले हैं जो सामने आए, जो पेशेंट्स हैं वो जो अस्पतालों में भर्ती हैं और उनको ठीक होने के कगार पर 9 लोगों की मृत्यु हो गई है दिल्ली के अंदर। ऐसे में दिल्ली हाई अलर्ट पर है और 20 ऐसे हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। और अन्य राज्य जहां पर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं वहां पर भी मुख्यमंत्रियों की तरफ से हॉटस्पॉट घोषित करने का विचार किया जा रहा है। जी प्रीत, मैं ये जानना चाहूंगी कि देखिए लॉकडाउन खोलने का, तो अभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो सारी जो व्यवस्थाएं थी उन पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि जो जगह एकदम सेफ मानी जा रही थी वहां से भी अब कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर लॉकडाउन खुलता है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि लोगों का यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो भी करेगी उनके फायदे के लिए करेगी। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार फायदे के लिए करेगी। लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लॉकडाउन में लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक उसी तरीके से अब जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं वहां के लोगों को भी सपोर्ट करना होगा ताकि वायरस को आगे ना फैलाया जा सके। राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को रोकथाम में जिस तरीके से रणनीति बनाई थी उसी रणनीति पे अब अन्य राज्य काम करेंगे। उन्होंने सजेस्ट किया है बाकी के राज्यों को भी इस तरीके से काम करने के लिए। तो एक उदाहरण है राजस्थान सरकार जिस तरीके से कोरोना वायरस पे लगाम लगाई, तो अब जो है बाकी स्टेट भी इसको फॉलो करेंगे। लोग जो है बढ़ चढ़ कर इस तरीके से लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच ये एक अच्छी खबर है, इस सेंसेक्स जो है निफ्टी की अगर बात करें तो 224 अंकों के उछाल पर आज जो है खुला है। इसके साथ ही 687 जो आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही उछाल के साथ हुए हैं। तो ये कहा जाए कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में ये कहा जाए कि गिरावट आ रही थी, आज सुबह जब सेंसेक्स खुला, निफ्टी खुला, तो वो एक बढ़त के साथ में खुला है। ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और जिस तरीके से विचार कर रही है केंद्र सरकार की, अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, वो खुद इस पर निर्णय लेंगे, हॉटस्पॉट बनाएंगे, आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। मनीषा बिल्कुल, प्रीत किरण तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके।